बेटा तो याद होगा इमोशनल ईएमएफ में हमने किया था, इमोशनल ईएमएफ हमारा जो था दैट वाज ई इज इक्वल टू बी एल एंड वी, ये निकाला था ना हमने बेटा। जरा चेक कर लीजिएगा बेटे। और हमारा जो रोटेशन की वजह से था, रोटेशन ऑफ कंडक्टर, उसकी वजह से हमने ईएमएफ ही निकाला था आई थिंक, है ना। एंड दैट वाज ई इज इक्वल टू 1/2 बी एल, एल नहीं था कि एल ही था, माइनस 1/2 बी एल एल स्क्वेयर ओमेगा, ये था बेटा। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ विल बी हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। रीचेक कर लीजिए बेटे एक बार फिर से, आर वी ऑल राइट इन राइटिंग सो और नॉट बेटा। ठीक, ये इमोशनल ईएमएफ को डिराइव करना काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, या इस पे बेस्ड छोटा मोटा न्यूमेरिकल जरूर आता है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेंगे, यू डोंट वरी। ऐसे ही रोटेशन आपका जो है कंडक्टर का, अगर हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर कर लेते हैं, तो वी विल बी गेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एज सच एज इंडिकेटेड। एंड एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक है बेटा, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए कंडक्टर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस हैव दैट ऑल्सो बेटा। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, ए कंडक्टर, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटे आइए बेटो इसके बारे में बच्चों बात करके देखें कि कितनी फोर्स हमें चाहिए कंडक्टर को पुल आउट करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि आप चाहे कंडक्टर को इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल या अदरवाइज सिंपल आपका कंडक्टर है, आप कंडक्टर को मूव करवा रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आपका जो मोशनल ईएमएफ है ई, ये आपका बी एल एंड वी के बराबर था। और पावर बेटे आप जानते हो वी इंटू आई के बराबर हुआ करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप वी को ईएमएफ और आई को आप इंड्यूस करंट ले सकते हो, सो आपका जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू इंड्यूस करंट आई हो जाएगा बेटा। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, आई आपने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उसका होगा ही बेटा, है ना बेटे। तो आपका पावर हो जाएगा ई इंटू ई अपॉन आर, इट विल बी ई स्क्वेयर अपॉन आर बेटे, आपका पावर जो है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन बेटे ई आपने देखिए निकाल रखा है बी इंटू एल इंटू वी के बराबर ऑलरेडी, सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑल्सो बेटे। आई विल बी गेटिंग द पावर जनरेटेड इन द कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू बेटा ई की वैल्यू पुट कर लीजिए बी एल एंड वी, इसका सारे का स्केयर डिवाइडेड बाय आर, इट इज बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर, राइट बेटे। देन एक और छोटा सा हमारे पास बेटे कंसेप्ट है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। आपका पावर बेटे आप जानते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, और आप वर्क डन को एफ इंटू एस भी लिखा करते हो। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन आप, लेट मी राइट रादर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन को आप एफ इंटू एस अपॉन टी लिख सकते हो अगर सेम डायरेक्शन में हो, तो पावर विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी भी आप कर सकते हो। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर बेटे टू। इतना मैकेनिकल पावर आपको स्पेंड करना पड़ेगा,
इतना आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। अब एक बात माइंड में आती है कि आपको कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुल करने के लिए क्यों वर्क करना पड़ रहा है, क्यों फोर्स लगानी पड़ रही है। आप अगेन इमेजिन करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हुए हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब ये कंडक्टर की अगर बात करें, इस कंडक्टर में इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा हो या प्रोड्यूस होने के बाद फ्लो कर जाए, आपका करंट तो आपके कंडक्टर में है और आपका कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपके कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि वो करंट कैरी कर रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और आपको उस मैग्नेटिक फोर्स को बेटे ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क के लिए आपको उस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको पुल आउट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। कल आपने देखा था कि एक आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, हम एक कॉइल को बाहर पुल कर रहे थे। जब हम पुल करेंगे, वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क बेटा, और वो जो वर्क डन है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपका रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है और करंट कैरियिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि आप उसको फील्ड से बाहर निकाल सकें। तो ये सारा करने के बाद इक्वेशन नंबर और 1 और 2 को मैं कंपेयर कर सकता हूं बेटा, तो आई विल बी हैविंग दैट एफ इंटू वी जो है इट विल बी इक्वल टू बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर, एक वी आपका कट जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द कंडक्टर बी स्केयर एल स्केयर इंटू वी अपॉन आर के बराबर बेटे आपको फोर्स मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि कितना फोर्स आपको अपने कंडक्टर पे अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग एज सच। ब्रीफली मैं सारे स्टेप्स बेटे एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, पावर जनरेटेड वी इन टू आई होगा, वी को मैंने ई लिया, आई को आई रहने दिया, आई आपका ई अपॉन आर भी होता है, आई की जगह पर ई अपॉन आर लिख दिया, इट इज ई स्केयर बाई आर, ई इज ऑलरेडी विद यू, आपने वैल्यू पुट कर दी बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन आर आ गया, पावर आपका एफ इन टू वी भी होता है, इनको दोनों को आपने बेटे कंपेयर कर दिया एंड आफ्टर कंपेरिजन आपके पास बेटे आपका मैकेनिकल फोर्स रिक्वायर टू पुल ए कंडक्टर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको बेटा मिल गया। क्लियर हो गया बेटा सारे स्टूडेंट्स को, चलें जी आगे। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है एडी करंट्स का, एडी करंट्स क्या होते हैं और इनका क्या फायदा है क्या नुकसान है, या इनको हम डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं एडी करंट्स को बेटा। आइए बेटे देखें एडी करंट्स, टॉपिक्स बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इन पे बेस्ड एग्जाम्स में बहुत कुछ पूछा जाता है, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा। एडी करंट्स बेटा, पहले समझ लीजिएगा फिर मैं आपको बेटा स्टेटमेंट जो है साइंटिफिक वे में लिखवा भी दूंगा। इमेजिन कर लो आपके पास एक मेटल का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक कुछ इस तरीके से बेटे मैं ड्रॉ कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास मेटल का ब्लॉक काफी ये ब्रॉड ब्लॉक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका काफी ज्यादा है और आपने इसको कुछ इस तरीके से बेटा बना रखा है दिस वे,
राइट बेटे, काफी मोटा ब्लॉक है मेटल का। आपने इस ब्लॉक को एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दिया, मतलब अगर मैं फील्ड प्लॉट कर लूं, ये मेरे पास, लेट मी रीड्रॉ दिस लाइन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी, ये देखिए इस रीजन में ये लाइंस थोड़ी पास पास लग रही हैं, तो एक लाइन मैं यहाँ पे थोड़ी दूर बना देता हूँ, इसका मतलब है फील्ड हर एक जगह पर यूनिफॉर्म नहीं, राइट। अब अगर आप मेटल के ब्लॉक को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान दीजिएगा, फील्ड आपका लोअर एंड से अपर एंड की तरफ है। अगर मैं ये डस्टर को मेटल का ब्लॉक मान लूं, तो इसका जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बेटे बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितना भी ये सरफेस एरिया है ये वाला, और इधर ये वाला टॉप वाला या बॉटम वाला हो गया ना बेटा, इस सरफेस एरिया में सर्कुलेटिंग करंट्स बेटे जनरेट हो जाया करते हैं, और ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स बेटा। फिर से पुत्र ध्यान दीजिएगा, आपने अपने मेटल के ब्लॉक को एक मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों प्लेस किया, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलेटिंग करंट्स आपके मेटल के ब्लॉक में डिवेलप हो जाते हैं, ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स। और ध्यान दीजिएगा, एडी करंट्स इतने ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड के होते हैं कि बेटा ये एडी करंट्स की वजह से इतनी ज्यादा कई बार हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि ये मेटल का ब्लॉक मेल्ट भी कर जाता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में मेटलर्जी पढ़ा होगा चैप्टर, मेटलर्जी में आप बेटा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो उनके रॉ ओर्स से बेटा, और वहां पे आप एक जरूर पढ़ते होंगे मेथड जिसमें आप अपनी रॉ ओर्स को पहले मोल्टन फॉर्म में लेके आते हो, फिर उसके ऊपर थोड़े अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करते हो, देन आपको जाकर प्योरीफाइड मेटल मिलता है। अब बेटे मेटल के ब्लॉक को, रॉ मेटल के ब्लॉक को मेल्ट करना कोई आसान काम नहीं, उसको मेल्ट करने के लिए यही टेक्निक जो है दैट इज पुट टू यूज। आप उस बड़े से ब्लॉक को, एक पत्थर की तरह ब्लॉक जो है, रॉ कह लो आप, रॉ मेटल का, जैसे इस रूम का डायमेंशन है इतना साइज मान लीजिए है, आप उसको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये एरिया कितना ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा, आर विल बी इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, एरिया तो इसका बहुत बड़ा हो गया। आप इसको एरिया को देखो ना, कितना ब्रॉड एरिया है ये, इस रूम को देख लो, इसका फ्लोर का एरिया देख लीजिए आप कितना बड़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके देखोगे जब आप, तो आपका एरिया ज्यादा होने की वजह से जो रेजिस्टेंस आर होगा, इट विल बी वेरी लेस बेटा, एंड वंस रेजिस्टेंस विल बी लेस, यू कैन वेल से दैट करंट के फ्लो के लिए वेरी 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 इजी पाथ मिल जाएगा, करंट इसमें दौड़ा करेगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हीट प्रोड्यूस्ड एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर इनटू टी के अकॉर्डिंगली इमेंस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, और इस हीट की वजह से आपका मेटल का ब्लॉक जो है वो बेटा मेल्ट कर जाएगा, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। एज सच हमारा पर्पज सीधा एप्लीकेशन तक पहुंचना नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिफाइन एडी करंट्स बेटा। तो एडी करंट्स जो हैं, दीज आर द सर्कुलेटिंग करंट्स बेटा, सर्कुलेटिंग करंट्स विच गेट जनरेटेड व्हेन ए मेटालिक ब्लॉक इज subjected to a varying magnetic field beta।
आप एक मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हो, उसकी वजह से आपके सर्कुलेटिंग करंट्स डिवेलप हो गए। इस चीज को आपने बेटे एडी करंट्स कह दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एडी करंट्स नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? आई मीन टू से दैट कि हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं एडी करंट्स को बेटा? लेट अस बेटे फोकस अपॉन हाउ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एडी करंट्स बेटा। अ स्मॉल एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट एडी करंट्स बेटा। एडी करंट्स को हम कैसे डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, आइए उत्तर देखें। आपके पास एक बेटे सॉफ्ट आयरन का कॉयल है, कोर है, रादर कॉयल नहीं, कोर कहना चाहिए था मुझे, सॉलिड कोर है ये सॉफ्ट आयरन का बेटा। ये सॉलिड है, बीच में से खाली नहीं है, सॉलिड सॉफ्ट आयरन का कोर है। जैसे मेटल की बार्स होते हैं आप लोगों ने देखा ही है पंजाबी में, जिसको आप सरिया बोल देते हो, उसको मोटा ले लो, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा इमेजिन कर लीजिए, राइट। इस सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन जरूरी है पुत्र, ये सॉफ्ट आयरन का आपने एक इस तरीके का सेटअप लिया, इसके राउंड अबाउट आपने कॉपर की वायर को टाइटली वाइंड किया। ये कॉपर की वायर को वाइंड करोगे, जब आप टाइटली वाइंड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखोगे आप, और आपने इधर एक मान लीजिए ये बैटरी और सेल विद द हेल्प ऑफ ए की मैनेज कर रखा है एज सच। आप टैपिंग की भी लगा सकते हो, एक ही बात है, टैपिंग की लगा लोगे तो आपको सर्किट को मेक और ब्रेक करना आसान रहेगा। जब आप इसमें से करंट पास करवाओगे, आपका करंट बेटे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे मूव कर रहा टॉप फेस पे। एंटी क्लॉकवाइज करंट जब यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, आप दे रहे हो इसको, रादर आपका यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डिवेलप हो जाएगा बेटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक बेटे क्वाइन रखा ये इसके टॉप पे ना, लेट मी मेक यूज ऑफ द अदर चौक, आपने यहाँ पे एक क्वाइन प्लेस कर दिया बेटा। इस क्वाइन का लोअर पार्ट जो इस मेटल के सॉफ्ट आयरन मेटल के साथ कांटेक्ट में है, ये इस सॉफ्ट आयरन की कोर की वजह से मैग्नेटाइज हो रहा है, राइट। उससे क्या होगा, क्वाइल के अंदर, सॉरी क्वाइन के अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स डिवेलप हो जाएंगे, एडी करंट्स डिवेलप हो जाएंगे। एंड मैं सेपरेटली अगर ड्रॉ कर लूं तो ये ऐसे हो जाएंगे एडी करंट्स। अब आप लोगों को पता है अगर करंट जनरेट हुए हैं तो देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द गिवन क्वाइल, एंड द नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ इट इज अपोजिंग इट्स ओन कॉज। इसका कॉज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन या नॉर्थ पोल का यहां पे डिवेलप हो जाना। ये उसको अपोज कैसे कर सकता है, जब क्वाइन का लोअर पार्ट नॉर्थ बन जाएगा तभी उसको अपोज करेगा ये। तो क्वाइन का लोअर पार्ट नॉर्थ बन गया द मोमेंट यू प्रेस दिस की। पहले कोई करंट नहीं था, आपने टैपिंग की को प्रेस किया, आपका इसमें से करंट फ्लो होने लगा, इस क्वाइन के अंदर एडी करंट्स जनरेट हो गए। एडी करंट्स का नेचर कुछ ऐसा है कि वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, और उसका कॉज तभी अपोज होगा अगर उसका लोअर फेस नॉर्थ हो जाए। व्हेन इट विल बी नॉर्थ, आपका डिस्क जंप करके दूर जाके गिरेगा। सो दिस इज कॉल्ड बेटे जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट या जंपिंग क्वाइन एक्सपेरिमेंट आल्सो। अगर आप अपने एडी करंट्स के कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी एज सच बेटे। सो इन दिस वे हम अपने एडी करंट्स के कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, राइट बेटा। चलें जी आगे, एक छोटा सा और कंसेप्ट है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दैट इज बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग कैसे की जा सकती है बेटा। डैम्पिंग आप
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ चुके हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर हम बेटा सेंटर पे मेटैलिक वायर को नॉन मेटैलिक फ्रेम पे नहीं रैप करते, आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने एक सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर लिया था, उसके राउंड अबाउट नॉन मेटैलिक फ्रेम के ऊपर वायर को वाइंड किया था, कॉपर की वायर को। अब आइए थोड़ा सा देखिए बेटा, हमारे पास बेटे मान लो एक मेटल का पीस है, हमने इसको विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड सस्पेंड कर दिया। मेटल के पीस को जब आप सस्पेंड कर दोगे देन उस पीस को सेटल होने के लिए बेटा ये थोड़ा ऑसिलेशन फेस करनी पड़ेंगी। ये आपके मेटैलिक कॉइल की बात कर रहा हूं मैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, आपने इसको विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड सस्पेंड किया, ये थ्रेड है। सिंपल बात है, एक बेटे नोटबुक देना जरा अपना नोटबुक, कोई बात नहीं। जब आप इसको बेटे सस्पेंड करते हो थ्रेड के साथ तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहती है थोड़ी देर के लिए, स्टेबल नहीं होती है ना बेटा। अब आप क्या कर देते हो बेटा, इस मेटैलिक रेक्टेंगुलर शेप के सरफेस एरिया के राउंड अबाउट एक मैग्नेट बेटे प्लेस कर देते हो, ये नॉर्थ एंड ये आपका साउथ है। इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये ऑसिलेट करेगा इसके अंदर एडी करंट्स बेटे डेवलप हो जाएंगे ये, और एडी करंट्स का नेचर कुछ ऐसा होगा जो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, अपने ही कॉज को अपोज तभी करेगा अगर बेटे आपका ये वाला फील्ड इस वाले फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, और व्हेन इट विल बिकम अपोजिट आपका ये इंस्टेंटली जो कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप का इंस्टेंटली बेटे ऑसिलेट करना बंद कर देगा, रुक जाएगा। यही टेक्निक हम बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज करते थे, जब हम कहते थे कि ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। डेड बीट का मतलब होता है अदरवाइज अगर हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर नहीं लें तो गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे ऐसे टॉगल करता रहता है, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। अगर आप उसको वो नॉन मेटैलिक फ्रेम के अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर रख दोगे, एडी करंट्स की जनरेशन की वजह से अपने कॉज को अपोज करेगा, वो एकदम से एक ही पॉइंट पे आके रुक जाएगा, दैट विल स्टॉप टॉगलिंग बेटा। सो इन दिस पर्टिकुलर वे में आप अपना जो एडी करंट्स का कंसेप्ट है इसको बेटे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, दिस इज द परफेक्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट योर एडी करंट्स। भव्या बेटा क्लियर, एप्लीकेशंस करें, कोई बता सकते हो आप एप्लीकेशन इसकी डेली लाइफ में? बतानी चाहिए भाई, सोचिए एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स बेटा, एनीवन फ्रॉम योर साइड, आप डेली लाइफ में कितने एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज देखते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में मशीन्स यूज करते हैं, सब में यूज होता है ये इफेक्ट। एडी करंट्स एप्लीकेशंस, ऑफ एडी करंट्स सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा आपका स्पीडोमीटर जो है, जो स्पीड इंडिकेट करता है वो एडी करंट्स के बेसिस पे ही आपको स्पीड इंडिकेट करता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल्स, मोटरसाइकिल स्कूटर एक्टिवा, कार को छोड़ो, कार को रहने दो आप, मोटरसाइकिल का या एक्टिवा का जो आगे वाला फ्रंट वाला व्हील होता है, बच्चों सुनिए मेरी बात, भव्या सुनिएगा जरा पुत्र, मैं ये नहीं कहता कि कार में इफेक्ट नहीं होता, करूं एक्सप्लेन मैं, हाँ सुनिए फिर। मोटरसाइकिल का जो या आपके एक्टिवा का जो फ्रंट वाला व्हील है, कभी आप उसको बेटे मैकेनिक के पास जब सर्विस करवाने लेके जाते हैं, वो उसको व्हील को जब खोलते हैं ना, उस व्हील के सेंटर पे एक्सल होता है, ऐसे एक्सल के साथ एक बड़ा उन्होंने ना फाइन
मैग्नेट अटैच किया होता है, बड़ा ब्रीक सा मैग्नेट होता है। जैसे जैसे आपका व्हील रोटेट करता है वो मैग्नेट भी ऐसे टर्न करता रहता है व्हील के अंदर रोटेट। हाँ क्या कहते हैं, क्या क्या क्या? नहीं, चरखा नहीं कहते। हाँ चक्कर। नहीं चक्का तो आप बेटे टायर को ही बोल देते हो। नहीं, सुनो मेरी बात आप बेटे, चक्का तो वर्ड पंजाबी का वर्ड है ना, दैट इज नॉट बेटे देयर। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, आपके मोटरसाइकिल स्कूटर एक्टिवा का आगे वाला व्हील, उसके साथ एक तार अटैच होती है जो स्पीडोमीटर को जाती है। हाँ जी, नहीं ब्रेक अलग होती है बेटे, ब्रेक अलग होती है, वो आपका बिल्कुल एक्सल के साथ अटैच होता है। एक्सल के अंदर एक मैग्नेट रोटेट करता रहता है, टर्न करता रहता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट। ये एक्सल के साथ रिलेटेड एक ड्रम होता है, एक्सल के, ये ड्रम के अंदर एक मैग्नेट ऐसे रोटेट करता है। एक्सल के बार बार एक ड्रम होता है एल्यूमिनियम का, आप जब खोलोगे देखना वो ऐसे बीच में से बाहर निकाल लेते हैं, ये एल्यूमिनियम का ड्रम है। इसके अंदर आपका एक्सल है और मैग्नेट रोटेट करता रहता है, टर्न करता रहता है। अब ये एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है, इसके अंदर मैग्नेट जब रोटेट करेगा तो कंडक्टर के रोटेट करने से रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। कल हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, दैट वाज 1/2 BL² V। एक करंट भी होगा, वो करंट जो है वायर के थ्रू आपके स्पीडोमीटर में स्पीड इंडिकेट कर देगा। राइट, फिर से ध्यान दीजिएगा, इन द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स ए वेरी फाइन स्मॉल मैग्नेट इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द एक्सिल। एज द व्हील रोटेट्स द मैग्नेट ऑल्सो रोटेट्स, एडी करंट्स आर जनरेटेड इन द ड्रम, आउटर ड्रम इन विच द मैग्नेट इज रोटेटिंग, एंड दोज एडी करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिकेटिंग द डिफ्लेक्शन इन द स्पीडोमीटर ऑफ योर व्हीकल। राइट, हाँ जी बेटे। नहीं पेट्रोल के कारण नहीं घूमता वो बेटे, एडी करंट की वजह से घूमता है वो। स्पीडोमीटर जो है, एक बेटे लिख देता हूं मैं आपको, फिर पेट्रोल का याद आ जाएगा, नहीं तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट्स बेटा, एडी करंट्स। डियर चिल्ड्रन, इसको हम मेटलर्जी में भी यूज करते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी बताया था इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में आपको मेटल्स को मेल्ट करने के लिए एक मेटल के इम्प्योर मेटल के ब्लॉक को वेरिंग, मान लो ये इम्प्योर मेटल का ब्लॉक है, आपने इसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, द मोमेंट यू विल बी प्लेसिंग इट, इसमें एडी करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिवेलप हो जाएंगे, और ये स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स इसको H इज इक्वल टू I² RT के हिसाब से इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करके मेल्ट कर देंगे, और आप अपने इस मॉल्टन फॉर्म में मेटल को प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इंडक्शन मोटर, आपका सीलिंग फैन के अंदर, इसके अंदर एक सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उसके राउंड अबाउट बेटा उन्होंने बाइंडिंग्स की होती हैं। द मोमेंट यू स्विच ऑन द करंट बेटा, आपका इस वो जो कॉइल में से जब करंट पास होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसके अंदर एक रोटर लगा होता है, रोटर के अंदर एडी करंट्स डिवेलप होंगे, और वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग कौन सा है, जो आपने क्रिएट किया है स्विच ऑन करके, उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटर में मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होगा। अब आपने तो फिक्स किया हुआ है उसको, वो इन दैट केस टर्न करना स्टार्ट कर देता है, और जब आप इसको फैन को 1 2 3 4 5 नंबर पे करते हो, इसका मतलब है आप करंट बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, एडी करंट्स बढ़ेंगे, उसकी रोटर की रोटेट करने की स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एडी करंट्स बढ़ रहे हैं। राइट, देन ट्रेन्स, ट्रेन्स में आपकी ब्रेक्स,
ब्रेक्स ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आप लोगों ने आजकल देखी हैं, काफी तेज दौड़ती हैं रेल्स पे, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी कैरियिंग केबल के साथ कांटेक्ट बना रहता है। इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड वाली ट्रेन को रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। हरेक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब है डिब्बा, हरेक कंपार्टमेंट के हरेक व्हील के साथ एक अल्मीनियम का ड्रम अटैच्ड होता है। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब एक्टिव होगा तो उस ड्रम के अंदर एडी करंट्स डिवेलप हो जाएंगे और वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाले होंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है ऑटोमेटिकली लग जाएगा, व्हील का फॉरवर्ड मोशन रुक जाएगा और आपका ट्रेन बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ कम डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा। ठीक हो गई बात बेटा? एक आपके पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये बात आप ऑलरेडी कर चुके हो। डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब है आपका गैल्वेनोमीटर एकदम से एक ही पॉइंट पे आकर बेटे रुक जाएगा, उसको आप डेड बीट गैल्वेनोमीटर कह देते हो। उसको बनाने के लिए आपने क्या किया, आप लोगों ने उसको मेटेलिक फ्रेम के अंदर एक बेटा सॉफ्ट आयरन का कॉयल कोर अटैच कर दिया, और सॉफ्ट आयरन का जो कोर है वो आपको बेटे फर्दर मोर एडी करंट्स की हेल्प के साथ उस पॉइंटर को एकदम एट द सेम पॉइंट स्टैंड स्टिल होने के लिए फोर्स कर देगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आपके एडी करंट्स की हैं। इसके कुछ बेटे नुकसान भी हैं, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं बेटा। आइए जरा बात करके देखें व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स बेटे, रादर अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स, लेट अस कंसंट्रेट। हां जी पुत्र, हाँ जी, कल करना है, कोई बात नहीं बेटे, कल कर लेंगे। एडी करंट्स, थक गए हो आप लोग? वो आपको देश का भविष्य है, आपको थकना नहीं चाहिए। चलिए मैं ब्रीफली बोल दूं कि रहने दूं फिर, चलो कोई बात नहीं, बच्चे थक गए तो कल कर लेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।